क्योंकि कल लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में एक बार फिर कोलकाता सुलग उठा। सचिवालय रमन्ना की तरफ कूच कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों का सामना पुलिस से हो गया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। करीब 4 घंटे तक पथराव से निपटने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें कई छात्र घायल हो गए और करीब 200 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इसी कार्रवाई के खिलाफ आज बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बंगाल में छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया और ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और का जो तांडव देखा गया है वह मानवता को भी शर्मसार कर रहा है। ममता जी ने निर्ममता और तानाशाही के सारी हदें पार कर। इस बीच ममता सरकार ने बीजेपी के बंद को समर्थन नहीं देने की अपील की और नोटिफिकेशन जारी कर सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। अंश नेबेन ना सरकारी कर्मचारी प्रति सरकार निर्देश अफिस काछारी अवश्य स्वाभाविक भाव आसबें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.